मेष ज्योतिर्लिंग गोचर कुंडली में चंद्रमा किस्मत के घर में रहेगा। आपके लिए दिन अच्छा है। कोई नई जमीन या मकान खरीदने का विचार बन सकता है। निवास या काम करने की जगह में बदलाव का भी मूड बन सकता है। परिवार के लोग और प्रियजनों पर पैसा खर्चा करने का भी विचार आपके मन में आ सकता है। आज आप कामकाज में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। ऑफिस में किसी जटिल स्थिति को पूरी तरह सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। सोचे हुए काम आज ही पूरे कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। कोई ऐसे काम की योजना सामने आ सकती है जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। अटका हुआ पैसा मिलने के योग है। नेगेटिव, कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह विचार कर ले। जल्दबाजी के कारण भी नुकसान हो सकता है। इस राशि के कुछ लोगों को मनमर्जी का काम करने का मौका शायद ना मिल सके। महत्वपूर्ण काम आगे के लिए ना टाले। बड़े और महत्वपूर्ण लोग आपके लिए किसी तरह की समस्या पैदा कर सकते हैं। आज आप किसी काम में जोखिम लेंगे तो नुकसान के भी ज्यादा चांस है। थोड़ा सावधान रहे। क्या करें, साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति को पेन दे। लवलव पार्टनर से सहयोग मिल सकता है। पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। करियर, बिना विचार किए कोई काम ना करें। निवेश संबंधित बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी से सलाह लें। स्टूडेंट्स को कम मेहनत से भी सफलता मिल सकती है। हेल्थ, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थकान हो सकती है। बुखार भी हो सकता है। वृषभ, आपकी तकनीकी या भावनात्मक समस्याएं आज सुलझ सकती है। कोई राज की बात भी आपको पता चल सकती है और इससे आपके मन में कई दिनों से चला आ रहा तनाव खत्म होने के योग है। आपको कई मामलों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है और उनकी चिंता भी करनी होगी। जो चीजें आपके लिए वास्तव में खास हैं, उनको लेकर आपको कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। आप अचानक कोई फैसला कर सकते हैं। नेगेटिव, चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें भाव में है, जो कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ त्याग भी आपको करना पड़ सकता है। कामकाज में किसी तरह का संदेह हो तो ऐसे काम ना करें। हो सकता है आपके कुछ फैसले आसपास के लोगों को पसंद नहीं आए। खरीदारी का काम ना करें तो अच्छा रहेगा। हर काम सावधानी से करें। जीवन साथी और रोजमर्रा के कामों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हैं तो उनका सामना करना पड़ सकता है। दूसरों पर तानाशाही से बचें। किसी पर ज्यादा टिप्पणी ना करें। प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। क्या करें, नारियल पानी पिए। लव प्रेमी सावधान रहें, प्रेम प्रस्ताव भी असफल हो सकता है। करियर, कारोबार में व्यस्तता बढ़ सकती है। अधिकारी आपकी बातों को तवज्जो देंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान के योग है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। हेल्थ, जोड़ों का दर्द करेगा। पुराने रोग भी परेशान कर सकते हैं। मिथुन, पॉजिटिव, कोई खुशखबरी मिल सकती है। अधूरे और रुके हुए काम निपटाने के लिए दिन ठीक है। रोजमर्रा के कामकाज से फायदा हो सकता है। सामाजिक कामों में आपको सफलता मिल सकती है। खास लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। खुद पर नियंत्रण रखें। किसी सहकर्मी के साथ मिलकर किए गए काम में आप सफल रहेंगे। आपका ध्यान बार बार अपने साथ काम करने वाले या दोस्तों के साथ मिलने वाले कार्यक्रम पर हो सकता है। नेगेटिव, किसी पुराने काम को लेकर उलझने बढ़ सकती है। सेहत के मामले में सावधान रहे। लोहे से बचकर रहे। चोट लग सकती है। व्यस्तता रहेगी। कामकाज के अलावा सामाजिक तौर पर भी आप व्यस्त रहेंगे। कुछ मामलों में आपका स्वभाव या तरीका गलत हो सकता है, जिसे पसंद नहीं किया जाएगा। घर और ऑफिस दोनों जगहों पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण होगा। क्या करें, बिल्व पत्र के पेड़ में जल चढ़ाएं। लवलव लाइफ के लिए दिन प्रतिकूल हो सकता है। प्रेम प्रस्ताव भी विफल हो सकते हैं। करियर, कुछ मामलों में किस्मत का साथ शायद ही मिले। बिजनेस संबंधित कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। हेल्थ, नींद की कमी से परेशान हो सकते हैं।
बदन दर्द भी रहेगा। कर्क पॉजिटिव आगे बढ़ने के लिए आपको एक से ज्यादा मौके मिलने की संभावना है। पैसों के हर मामले पर आप बारीकी से विचार कर ले। चंद्रमा गोचर कुंडली के छठे भाव में रहेगा। सकारात्मकता रखें। कुछ खास काम आज पूरे हो सकते हैं। अपनी संवेदनशीलता पर कंट्रोल करें। प्रेमी या जीवन साथी के साथ हुए पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ रोजमर्रा के काम निपट सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात और दोस्ती होने के योग हैं। आपकी इनकम सामान्य हो सकती है। नेगेटिव पैसों को लेकर किसी से विवाद भी हो सकता है। अपने शौक को लेकर फालतू खर्चा भी बढ़ सकता है। किसी भी काम में अति ना करें। ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। संबंधों को लेकर आपके मन में असुरक्षा का भाव रहेगा। आपके बार बार बदलते मूड के कारण पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है। निवेश या बचत करते समय सावधान रहें। आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका विरोध हो सकता है। सेहत के मामले में दिन ठीक नहीं है। सावधान रहना होगा। क्या करे, किसी कन्या को मेहंदी दान दे। लव पार्टनर का मूड भी बिगड़ सकता है। वाणी पर संयम रखें। विवाद हो सकता है। झूठ ना बोले। करियर, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। बिजनेस में नुकसान के कारण पारिवारिक विवाद होने के योग बन रहे हैं। हेल्थ, अगले के रोग हो सकते हैं। सिंह पॉजिटिव, चली आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। अचानक फायदा भी हो सकता है। कामकाज में मन लगेगा। आपको सकारात्मक रहना होगा। जो भी बात मन में आएगी आज आप उसे तुरंत खने की कोशिश करेंगे। कुछ भी खने के पहले विचार जरूर कर ले। पैसों के मामलों को चतुराई से सुलझाने में आप सफल हो सकते हैं। घर के बारे में आपकी योजना भी कारगर साबित हो सकती है। रोजमर्रा के काम अटकेंगे नहीं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। नेगेटिव, कुछ बोलते समय खुद पर नियंत्रण जरूर रखें। अपने ही किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ आपकी अनबन हो सकती है। इसे जल्दी ही सुलझाने की कोशिश करें। माता पिता या सास ससुर से किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नई बिजनेस डील में रुकावटें आने के योग हैं। क्या करें, किसी गरीब कन्या को फ्रूट जूस पिलाएं। लव जीवन साथी के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अनबन भी होने के योग बन रहे हैं। करियर, छोटी छोटी समस्याएं चलती रहेंगी। कार्य क्षेत्र में लगातार मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ स्टूडेंट्स तनाव में रहेंगे। कॉन्फिडेंस की कमी भी हो सकती है। हेल्थ, थकान और आलस्य खत्म होंगे। सेहत में सुधार होने की संभावना है। कन्या पॉजिटिव, चंद्रमा के प्रभाव के कारण आप थोड़े चंचल रहेंगे। माता का सुख भी मिल सकता है। समय के साथ सब ठीक भी हो जाएगा। दोस्तों के साथ समय बीतेगा। रुके हुए काम पार्टनर की मदद से पूरे हो सकते हैं। आज आप जिसे अपनी भावनाएं बताना चाहते हैं वह भी आपकी बातें समझ जाएगा। अपने मन की सुने तो सब ठीक रहेगा। आपकी इनकम और खर्चा भी बराबर रहेगा। नेगेटिव, दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें। आपका मन कई तरह के मामलों में उलझ सकता है। कई मामलों में आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कोई नया बड़ा काम शुरू करने से बचें। गंभीर हो जाएं। कामकाज में मन कम ही लगेगा। पैसों की स्थिति को लेकर परेशानी बढ़ने की संभावना है। खर्चा करने के मौके पर कंजूसी करने से आपको ही परेशानी होगी। यात्रा के लिए दिन ठीक नहीं है। आज आप वाहन चलाते समय पूरी तरह सावधान रहे। किसी को लेकर जलन का भाव भी रहेगा। क्या करें, हनुमान मंदिर में माचिस दान दें। लव जीवन साथी के व्यवहार से परेशान हो सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। करियर, कामकाज ज्यादा होने से परेशानी बढ़ सकती है। बिजनेस में पिता की मदद मिलने के योग हैं। मेहनत करने का समय है। स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ, पेट दर्द से भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। भोजन में सावधानी रखें। तुला पॉजिटिव, दोस्तों और भाइयों से सहयोग मिलने की संभावना बन रही है। अचानक कोई खास काम भी आपको करना पड़ सकता है। आज ऐसे ही काम शुरू करें जो जल्दी पूरे हो जाएं।
आप ज्यादा ही संवेदनशील हो सकते हैं। कोई नई भावनात्मक शुरुआत होने की संभावना बन रही है। आज होने वाले ज्यादातर फैसले आपके ही फेवर में होने के योग हैं। परिवार की जरूरतों और कामकाज के लिए आपको काफी समय देना पड़ सकता है। प्रेमी से आज आप अपने मन की बात कह सकते हैं। अधिकारी भी आपसे खुश हो सकते हैं। नेगेटिव कामकाज में कुछ परेशानी हो सकती है। परिवार के खर्चे या धन को लेकर आपके साथ कोई विवाद होने की संभावना है। कुछ खास मामलों में आपकी नादानी या लापरवाही के कारण नुकसान हो सकता है। तुला राशि वाले लोगों के मन में कोई बात चलती रहेगी। क्या करें, किसी ब्राह्मण को शहद या पपीता दान दें। लव प्रेमियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता है। साथी के असंतुलित रवैये से परेशानी बढ़ सकती है। करियर कार्य क्षेत्र में साथी को बुरा बोलने के बाद आपको पछतावा भी हो सकता है। बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें। स्टूडेंट्स को मेहनत से परिणाम मिल सकते हैं। हेल्थ, अगले में दर्द और मुंह के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि गोचर कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति के कारण आपको थोड़ा सुख भी मिल सकता है। आप काफी उत्साहित हो सकते हैं। कई तरह की जिम्मेदारियों में आप व्यस्त हो सकते हैं। बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कानून और पैसों के बारे में ठोस और सकारात्मक बातचीत हो सकती है। कोई पुराना काम भी आज निपटा सकता है। मकान के नक्शे में किसी तरह के बदलाव का भी योग है। संतान से सहयोग मिल सकता है। विवाह प्रस्ताव भी मिल सकता है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों को इनकम के नए सोर्स मिल सकते हैं। नेगेटिव, आप अपनी बात को लेकर और बात करने के तरीके में उग्र हो सकते हैं। टकराव की स्थितियों से बचने की कोशिश करें। किसी की ज्यादा आलोचना भी ना करें। जहां तक हो सके किसी के बारे में राय देने से भी आपको बचना चाहिए। कोई नया काम शाम के समय करने से बचें। घर परिवार के माहौल से थोड़ी टेंशन जरूर हो सकती है। आज आप कुछ बेचैनी भी महसूस कर सकते हैं। क्या करें, भोजन में काले नमक का उपयोग करें। लव, शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता हो सकती है। लव लाइफ के लिए भी दिन अच्छा हो सकता है। करियर, बिजनेस और नौकरी से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। पुराने निवेश से फायदा मिलने में देरी हो सकती है। इंजीनियर्स के लिए दिन सामान्य कहा जा सकता है। हेल्थ, आज आपको आलस्य, थकान और बेचैनी महसूस हो सकती है। धनु, परफॉर्मेंस देने का दिन है। दास या अधिकारी आपकी प्रतिभा को पहचान सकते हैं। कार्य क्षेत्र में होने वाले बड़े काम का नतीजा आपकी बुद्धि और षड्यंत्र से कुछ दिन बाद ही सामने आ सकता है। चंद्रमा आपकी ही राशि में है। नया प्रेम संबंध आज शुरू हो सकता है। आपके दिमाग में पैसों को लेकर कोई प्लानिंग चल सकती है। प्रेमी और संतान को लेकर बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से मिलने के योग बन रहे हैं। नई नौकरी की बात भी आपको पता चल सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा होने की संभावना है। नेगेटिव, पैसों के क्षेत्र में कोई जोखिम न ले। प्रेमी या दोस्तों पर आपका खर्चा बढ़ सकता है। प्रेमी या जीवन साथी के साथ अनबन होने की संभावना है। ऑफिस में साथ काम करने वाले कुछ लोग आपके कामकाज में रुकावट बन सकते हैं। आपकी कोशिश भी ऐसे ही लोगों से दूर रहने की होगी। कार्यस्थल पर संभल कर रहे। अपनी कमजोरी लोगों के सामने न आने दे। आपको ज्यादा उग्र होने से भी बचना चाहिए। दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। संभल कर रहे। क्या करे, वर्क प्लेस या घर से चीनी के टूटे फूटे बर्तन निकाल दे। लव, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्रेमी की मदद से धनु राशि वाले अविवाहित लोगों के बड़े काम हो जाएंगे। करियर, बिजनेस में साथ वाले लोगों की मदद मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी बातों को सम्मान मिलेगा। कंप्यूटर स्टूडेंट्स को आसानी से सफलता मिलने के योग हैं। हेल्थ, आपकी सेहत में प्ले से सुधार हो सकता है। मकर, चंद्रमा आज गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। सीधी और साफ बात से आपको फायदा हो सकता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं भी तेज हो सकती हैं। बिजनेस में प्रगति के योग बन रहे हैं। आसपास या साथ के लोगों को किसी खास काम के लिए आपकी जरूरत पड़ सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं।
कार्यक्षेत्र में आने वाली परेशानी कुछ कम हो सकती है, आपके कुछ काम भी पूरे हो सकते हैं। आज आप अच्छा अनुभव करेंगे, शायद यहाँ सुख भी मिल सकता है। नेगेटिव दिन इतना अच्छा नहीं है जितना आपने सोचा था, खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। कोई काम आपके स्तर के अनुरूप ना हो तो उसे स्वीकार करने से बचें। काम करने में रोज की तुलना में ज्यादा समय लग सकता है, आपका मूड भी बार बार बदल सकता है। परिवार वालों की कुछ बातों पर आप नाराज हो सकते हैं, दोस्त और साथी आपके लिए परेशानी या सिरदर्द साबित हो सकते हैं, आपके मन में असुरक्षा का भाव या किसी तरह की घबराहट हो सकती है। चंद्रमा आपकी राशि से 12वीं राशि में है, इससे आपको आलस्य महसूस हो सकता है। क्या करें, किसी आश्रम या मंदिर में अनाज दान दें। लवम कर राशि के लोग आज विपरीत लिंग की ओर आकर्षित हो सकते हैं, पार्टनर आपकी इच्छाएं भी पूरी कर सकता है। करियर, बिजनेस और नौकरी पेशा लोग फालतू विवादों से बचने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स का ज्यादातर समय फालतू कामों में निकल सकता है। हेल्थ, पैर में चोट लगने के योग है, वाहन से भी संभल कर रहे। कुंभ राशि चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव में रहेगा, आपका ध्यान परिवार और पैसे पर ही होगा। खुद की इमेज की चिंता करें, हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करें। आपके सारे काम आसानी से और समय पर निपट सकते हैं। आपको ऑफिस में कोई पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है। कामकाज में व्यस्तता भी ज्यादा हो सकती है, आप अपनी भावनाएं और विचार जताने का कोई मौका नहीं चूकेंगे। चीजें धीरे धीरे आपके फेवर में हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता पिता, भाई बहन आदि का सहयोग भी आपको मिल सकता है। नेगेटिव निजी मामलों को आने वाले दिनों के लिए टालने की कोशिश करें। वाणी पर नियंत्रण रखें, आपकी भाषा और शैली गलतफहमी पैदा कर सकती है, सावधान रहें। आप कोई महंगी वस्तु भी खरीद सकते हैं, किसी मामले में आप अपनी बात पर अड़ सकते हैं। पुराने झूठ आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं, क्या करें, थोड़ा सा गुड़ चाकू से काट कर अग्नि में डालें। लवलव लाइफ के लिए सितारे शुभ रहेंगे, प्रेम के इजहार के लिए दिन अच्छा है। करियर, इनकम बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं, बेकार के कामों में समय खराब हो सकता है। स्टूडेंट्स को मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हेल्थ, मौसमी बीमारियां हो सकती है, संभल कर रहे। मीन आज व्यावहारिकता पर जोर रहेगा, अपने कामकाज पर ध्यान दें। बिना डिस्टर्ब हुए काम करने की क्षमता के कारण आप अपने काम में पूरी तरह सफल भी हो सकते हैं। आज आप अपने कामकाज को लेकर सकारात्मक और व्यावहारिक भी हो सकते हैं। आपको कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। रोजमर्रा के कामकाज में अपोजिट जेंडर की मदद मिल सकती है, बॉस से कई बार बातचीत हो सकती है, विवाह प्रस्ताव भी मिलने के योग है, नए दोस्त बनेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, सभी से प्रेमवत व्यवहार रहेगा, आसपास और साथ के लोगों से सहयोग मिल सकता है। नेगेटिव, आपके तेवर थोड़े तीखे हो सकते हैं, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। आज आप कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल सोच रखेंगे, इससे आपके संबंधों पर असर पड़ सकता है और कुछ लोग आपसे दूर हो सकते हैं। कुछ दोस्तों या सहकर्मियों के साथ अनबन की स्थिति बनने के योग है, थोड़ी कष्टकारी यात्रा भी हो सकती है। कामकाज संबंधी दस्तावेजों को संभालने या जुटाने में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। आज आप पैसों को लेकर कंजूसी कर सकते हैं। कामकाज या कुछ खास मामलों में आप आक्रामक भी हो सकते हैं। क्या करें, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बेडरूम में रखें। लव प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग है, जीवन साथी की मदद मिल सकती है। करियर, जमीन जायदाद से फायदा होने के योग है। बिजनेस में विवादों का निपटारा हो सकता है, मेहनत भी ज्यादा हो सकती है। स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से सफलता मिलने की संभावना है। हेल्थ, सितारे आपके लिए थोड़े अनुकूल हो सकते हैं, आज आप किसी तरह की बड़ी चोट से बच सकते हैं। Thank you.